देखिए गाइस, लग रहे हैं ना स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सूजी और बेसन से बनने वाला ये लड्डू। गाइस वेलकम बैक, कैसे हो आप सब। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ सूजी और बेसन से बनने वाला ये लड्डू, जो काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होता है, तो सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। मैं अपने किचन में कुछ बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस मैं यहाँ पे जो है एक कटोरी मैंने मेज़रमेंट के लिए ली थी, उसी से ही मैंने बेसन लिया। बेसन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा दानेदार बेसन लेंगे तो अच्छा होगा। और मैंने एक कटोरी सूजी ली है। सूजी आप महीन या मोटी कोई सी भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है देसी घी आधी कटोरी, और इसे अच्छी तरीके से अब मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद देखूंगी इसमें गुठले वगैरह बिल्कुल भी ना हो। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में इसे हम एक डो की तरीके से तैयार करेंगे, जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं उसी तरीके से। तो बहुत ज़्यादा इसे गीला नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे दूध यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे पानी में भी सान सकते हैं, इसका डो तैयार कर सकते हैं। अगर दूध से लेंगे तो उसका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा आएगा, तो दूध तो हमें किचन में मिल ही जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका एक डो बना ली। और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तो गाइस 10 मिनट के लिए मैंने डो को रेस्ट करने के लिए रख दिया था, और उस टाइम पे ये बिल्कुल गीला लग रहा था। लेकिन अभी जो हमारी सूजी है वो अच्छी तरीके से फूल चुकी है। और यहाँ पे मैं पेड़े जो है रोटी के जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं ठीक उसी तरीके से बना लूँगी, और हम रोटी की तरीके से ही इसे बेलेंगे। और आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इसकी मुठरी बना करके इसे देसी घी में डीप फ्राई कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे इसे दूसरे तरीके से बना रही हूँ। जो तरीका मैं आज बना रही हूँ जिस तरीके से, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पे इसे रोटी की तरीके से बेल लूँगी। थोड़ा ये फटेगा, इसे किनारे फटेंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप इसे अच्छी से चक्कू के या स्पून के सहारे से उठा लें। और देखिए मैंने गैस पे पैन पहले ही रख दिया था, और अब मैं इसे रोटी की तरीके से सेक लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये ठीक रोटी की तरीके से सिक रही है, और गैस की फ्लेम को मैंने कम कर रखा है बिल्कुल। और इसे धीमी आंच में ही हमें सेकना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। और कम आँच में सेकने से क्या होगा कि ये दोनों तरफ से अच्छी से सिकेगी। हाँ देखिए मैंने इसे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लिया है। देखिए मैंने ठीक रोटी की तरीके से इसे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लिया है। और अब मैं इसे तोड़ लूँगी, और तोड़ने के बाद मिक्सी के जार में डाल करके इसे बारीक पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है आपको, सिर्फ एक सेकेंड के लिए मिक्सी का जार चलाना है और ये पीस करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इस तरीके से लड्डू बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं होगा, और बहुत ही कम चीज़ों से जो है आपके टेस्टी से लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है ये, सब शौक से खाने वाले हैं इसे। और यहाँ पे देखिए मैं मीठे के लिए यहाँ पे गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल शुगर पाउडर से भी इसे बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाला है 2 इलायची। कुछ इस तरीके से मैंने इसे पीस के तैयार कर लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, हल्का दानेदार रखा है ताकि हमारे दानेदार लड्डू बनके तैयार हो। पीसते समय में ही मैं इसमें गुड़ ऐड की थी मिठास के लिए, ताकि मैं शुगर पाउडर का इस्तेमाल कम करूं। मैं सिर्फ यहाँ पे 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे इलायची भी मैंने पीसते समय में ही डाल दी थी। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल मिलाते समय कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे पिस्ता और बादाम का यूज़ कर रही हूँ, और घी को मैंने पहले ही मेल्ट कर लिया था। और घी जो है हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और अच्छी तरीके से अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद हम इसे का लड्डू बनाएंगे। ध्यान रहे कि घी ऐड करने के बाद आप मुट्ठी बना करके देख लें, अगर आपकी मुट्ठी बंद रही है देखिए इस तरीके से, तो आपके लड्डू जो हैं बंद जाएंगे। अगर लड्डू नहीं बंद रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो आप हल्का सा इसमें दूध का इस्तेमाल अभी कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, और आपके लड्डू जो है एकदम परफेक्ट बंधेंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू जो है बिल्कुल बन करके तैयार है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे।
सारे लड्डू बना करके तैयार कर ली है और देखिए देखने में लग रहे हैं ना कितने टेस्टी, खाने में भी उतने ही टेस्टी बने थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आने वाली चीज़ है। और देखिए यहाँ पे आखिरी में मैं इसमें ऊपर से एक एक दो दो पत्ती केसर की डाल रही हूँ ताकि ये देखने में और खाने में दोनों में ही अच्छे लगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।